नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रेडियो संचालक अमीन सयानी के दुखद निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये जानकर दुख हुआ कि रेडियो की आवाज अमीन सयानी जी अब नहीं रहे। सयानी जी अपने पीछे एक खालीपन छोड़ गए जिसे भरना मुश्किल होगा। उनकी स्वर्णिम विरासत उन्हें अमर बनाती है। उनके निकट और प्रियजनों और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। पूर्वोत्तर राज्य के लिए क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आईसीएमआर के द्वारा आयोजित रीजनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप ऑन रिसर्च प्रायोरिटी फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ उपस्थित मेरे साथी मंत्री डॉक्टर भारती बेन, डॉक्टर बहल साहब, अनुजी, अशोक, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्वस्थ भारत, विकसित भारत का स्वप्न देखा है, जिसमें सरकार का यह प्रयास है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समय पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा मिले। स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां आसानी से अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बने। स्वास्थ्य सुविधाएं सभी ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हो और बैलेंस्ड अवेलेबिलिटी हो। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में अमीर गरीब के भेद के बिना और एक समान तरीके से सभी को स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार ने पॉलिसी और कई सारी योजनाओं के साथ काम किया है, जिसके कारण भारत ने एक ऐसा हेल्थ मॉडल तैयार है जो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की भावना को सार्थक करता है। आज 60 करोड़ लोगों को इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने के लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया, जिसके तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त पारिवारिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज काफी सारे उदाहरण हैं, जैसे कि किसी कंपनी का मालिक जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट करा रहा है, उसी से अब उस कंपनी का मजदूर भी आयुष्मान कार्ड के जरिए अपनी ट्रीटमेंट करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह अमीरी और गरीबी का भेद मिटाने वाली योजना है। 11,000 जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां पर 50% to 80% सस्ती दवाएं मिलती है। 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिन्हें भारत के लोगों का हेल्थ गेट कीपर माना जाता है। 48 BSL लैब्स से पूरा हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम और वन हेल्थ इनिशिएटिव लागू किया जा रहा है। आभा कार्ड, टीबी मुक्त भारत, प्रधानमंत्री सिकल सेल एनेमिया मुक्त भारत, मिशन इंद्रधनुष, कोविड के 220 करोड़ मुफ्त टीके लगाए गए, आयुष्मान भव कैंप के जरिए 20 करोड़ से अधिक को उनके घर पर पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 7 एम्स से बढ़कर
23 एम हो चुकी है पिछले 10 वर्षों में। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है पिछले 10 वर्षों में। यूजी और पीजी सीटों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो चुकी है पिछले 10 वर्षों में। हेल्थ सेक्टर का बजट 2.5 गुना बड़ा है। इन सभी प्रयासों से जो परिणाम मिले हैं उसमें से हाल ही में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। यह परिणाम दिखाता है कि सरकार ने क्या काम किया है। सरकार के प्रयासों से देश में करीब 22 लाख से अधिक किडनी मरीजों को फ्री डायलिसिस सर्विस मिली है। अगर यह सुविधा लोगों को नहीं मिलती तो मरीज का एक वर्ष में 1.25 लाख रुपए का खर्च आता है। देश के लगभग 6 करोड़ लोगों को PMJAY के जरिए मुफ्त ट्रीटमेंट मिली है। अगर वह अपने खर्चे से ट्रीटमेंट कराते तो लगभग 1.28 लाख यानी कि 128 करोड़ रुपए का उसका जेब से खर्च जाता है। जन औषधि स्टोर से दवाई खरीदने से देश के मरीजों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्टेंट, नी इम्प्लांट्स और कैंसर की दवाएं पर प्राइस कैप लगाने से देश के मरीजों को सालाना लगभग 27,000 करोड़ रुपए की बचत आज हो रही है। सरकार के प्रयासों से नागरिकों का कुल स्वास्थ्य खर्च में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62.6% था जो कम होकर आज 47.1% हुआ है, जिससे देश के लोगों की 2014-15 से 2020 के दौरान लगभग 3.54 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये फिगर कम नहीं है। 10 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपया गरीब मजदूर मध्यम वर्ग के लोगों के जेब में बचा है, जो अपना जीवन धारण को अप करने के लिए मददगार हो रहा है। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ काम किया है। वाइब्रेंट विलेज के जरिए पहाड़ी क्षेत्र के गांव का विकास और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को अंतिम गांव न बोलकर पहला गांव बोलकर देश की विचारधारा में एक साइकोलॉजिकल बदलाव लाए। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में हेल्थ, रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज और रोपवेज आदि सभी किस्म की कनेक्टिविटी से जोड़कर देश की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। देश में पहली बार नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में देखने की शुरुआत हुई है। हेल्थ सेक्टर को लेकर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उससे इस पूरे क्षेत्र के लिए हेल्थ एक्सेसिबल हो और अवेलेबल हुई है। पिछले 10 वर्षों में हम हेल्थ क्षेत्र की बात करें तो रिम्स, रिपन्स, निग्रिम्स और असम में एम्स जैसे संस्थानों का विकास एवं 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ICMR ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया है। वर्ष 2023-24 में नेशनल हेल्थ मिशन से लगभग 2450 करोड़ रुपए इस विस्तार के लिए दिए गए हैं। इन सभी से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का
स्वास्थ्य क्षेत्र विकसित हुआ है, विकसित हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की हेल्थ केयर को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए रिसर्च में आईसीएमआर की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस विषय को लेकर यह जो सेमिनार वर्कशॉप रखा गई है वो एक नई दिशा देने वाली बनेगी। सरकार भी एसेंशियल मेडिसिन की तर्ज पर ही एसेंशियल हेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। यह प्रयास आने वाले समय हेल्थ टेक्नोलॉजीज को सभी लोगों के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इक्विटेबल बनाएंगे। आज के इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लोगों को भी बधाई देता हूं और यह आशा रखता हूं कि यह प्रयास इस पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य को एक कदम और बेहतर बनाने में उपयोगी होगा। आप सब को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरा खास मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग गायन जरूर बजाएं। प्लीज यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपके कारणों से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री जन माता राज राजेश्वरी मंदिर नैमिषारणन की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। देखिए तस्वीरें। श्री राज राजेश्वरी मंदिर, श्री स्कंद आश्रम की आज के इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित यज्ञ आदि कार्यक्रम में, इस धार्मिक अनुष्ठान में जिनका सानिध्य यहां के श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य संत स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज हीरापुर वाले, मंच पर उपस्थित अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य, सुग्रीव किलाधीश पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य कामतगिरी पीठाधीश्वर स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, जबलपुर मध्य प्रदेश से पधारे पूज्य संत नरसिंह पीठाधीश्वर स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतजन जिनकी प्रेरणा से और जिनके आग्रह पर आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री
नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अशोक कुमार रावत जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, माननीय विधायक गण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, ज्ञान तिवाड़ी जी, मनीष रावत जी, निर्मल कुमार वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा सागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह जी, इस धार्मिक समागम में यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, देश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की इस धरती पर और खासतौर पर नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर श्री श्री राज राजेश्वरी मंदिर के इस भव्य धार्मिक आयोजन में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज और तोमर जी और अन्य पूज्य संतों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए उनका इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। नैमिषारण्य की महिमा अपरंपरा है, पार है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है और हमारे यहां जो सबसे विख्यात ग्रंथ है संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि तीर्थ वरद नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को सोनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था, एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जीवा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपरा पार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंद पुरी जी महाराज ने यहां पे राज राजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धार्मिक आयोजन हम सबको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा शास्त्र तो यह कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन जो व्यक्ति है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीस के पीएम मित्सोटाकिस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया।
नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक है और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों का सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय है। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारी और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। अगले वर्ष भारत और ग्रीस के डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की साझा धरोहर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन
स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर दर्शा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।